वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये मीटिंग अमित शाह से कैप्टन की, आप किस तरह से देखते हैं, क्या परिणाम इसके निकल कर आएंगे? देखिए, क्या कैप्टन बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये मुलाकात के बाद ये तो निश्चित बात है कि इस दिशा में चर्चा काफी गंभीर और सीरियस नेचर की चल रही है। नहीं तो अब उनको, जैसे उनके रवीन ठुकराल जो उनके मीडिया एडवाइजर हैं, जब कल ये चर्चा शुरू हुई कि अमरिंदर दिल्ली आएंगे और अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, तो उनके मीडिया एडवाइजर जो रह चुके हैं रवीन ठुकराल, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि लोग इसकी यात्रा का राजनीतिक अर्थ नहीं निकालें, क्योंकि वो तो अपना कपूरथला हाउस जो आधिकारिक निवास मिला हुआ होता है पंजाब के मुख्यमंत्री को, उसको खाली करने जा रहे हैं। तब भी लोगों ने कहा कि अरे भाई, इतने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पटियाला के महाराजा को खुद घर खाली करने जाने की क्या जरूरत है। फिर उन्होंने एक बयान आया कि वो अब सोनिया जी से भी मिल सकते हैं, अमित शाह से मिल सकते हैं, अब वो मिलनी है अमित शाह से। तो अब अंदर दोनों में क्या बात हुई है, लेकिन इस संभावना को कतई भी रूल आउट नहीं कर सकती कि वो बीजेपी जा रहे हैं। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर 80 साल की उम्र के होने वाले हैं, वो बीजेपी किस डील के तहत जाएंगे, बीजेपी उनको क्या देगी, बीजेपी उनमें क्या संभावनाएं तलाश करिए, बहुत इसमें कई पेचीदगियां हैं। क्या बीजेपी, जिसकी कोई वजूद नहीं है अभी पंजाब में, अगर कैप्टन अमरिंदर बीजेपी चले जाते हैं, उनके मुताबिक टिकटों का वितरण होता है, और अगर वो 15 से 20 सीट लेके आते हैं बीजेपी के, तो उनकी उपयोगिता है, फिर उनको बाद में चुनाव के बाद या उससे पहले केंद्र में बीजेपी मंत्री बना सकती है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या ये हो रहा है, क्या वो इस समय जिंदगी भर एक दो बार कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहने के बाद, और अब उनका जो नेम एक तरह से शत्रु था नवजोत सिंह सिद्धू, वो खुद आरजीए पे आ गया है, क्या वो अपना इस तरह से याद रखना पसंद करेंगे कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, राजनीतिक पड़ाव में? तो ये अभी सब चीजों पे उत्तर किसी को नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली ये मीटिंग के राजनीतिक मायने हैं, और इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये जोड़ी बन सकती है बीजेपी और अमरिंदर की। जी, और देखिए संजीव जी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, पहली मुलाकात तो होगी नहीं, इससे पहले फोन पे भी बातचीत हुई होंगी, और अब जब स्ट्रांग पॉइंट बनना शुरू हो गया होगा तब ये मुलाकात हो रही होगी। अब कौन सा ऐसा स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है, अगर किसानों के प्रदर्शन की बात करें, कि उसको खत्म करवाना और उसके बदले में कोई सीट मिलना, या बीजेपी के खेमे में आ जाना जिससे चुनाव में फायदा हो पंजाब विधानसभा? नहीं, देखिए, किसानों का आंदोलन तो अमरिंदर जी की खत्म कराने का वजूद नहीं है, अनलेस कि बीजेपी और अमरिंदर में ये डील हो कि अमरिंदर बीजेपी ज्वाइन करें और किसानों का एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल लेके प्रधानमंत्री से मिले, और उसके अंदर ये घोषणा हो कि हाँ, ये फार्म लॉज रिपील किए जाते हैं या ये कृषि कानून वापस किए जाते हैं, तो अमरिंदर का कद एकदम से बढ़ता है। लेकिन पंजाब, ये तो अब बीजेपी को शुरू से मालूम था कि उनकी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फार्म लॉज की वजह से स्थिति थोड़ी सी लचर है, कमजोर है, तो ये तो वो पहले भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी तो एक अड़ी का माहौल है कि प्राइम मिनिस्टर भी इतनी जल्दी किसी चीज पे जब कन्विंस्ड हैं कि कृषि कानून देश के लिए अच्छे हैं, तो अपने कदम इतनी आसानी से पीछे नहीं खींचेंगे। बट अगेन, ये भी एक एनालिसिस का प्रश्न है, इसका उत्तर तो हमें मालूम नहीं। तो बीजेपी फार्म लॉज को रिपील करवाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और डेफिनेटली अमरिंदर पंजाब चुनाव में बहुत रेलेवेंट पोल पोजीशन में आ जाएंगे, बट क्या ऐसा होगा, आई डोंट नो। दूसरी बात, वो क्या भाई, बीजेपी का तो ऐसा है ना, बीजेपी तो अभी जीरो है पंजाब में, उसके एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते, लोग कपड़े फाड़ देते हैं उनके, तो अमरिंदर के आने से कम खड़े होने की जगह तो बनेगी बीजेपी की, लेकिन सिर्फ खड़े होने की जगह बनेगी, अमरिंदर हार को जीत में परिवर्तित कराने की स्थिति में नहीं है बीजेपी की अभी, तो बीजेपी को भी कितना फायदा होगा। अमरिंदर क्या एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ के अंतिम चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाने के लिए तैयार होंगे, या शिकस्त खाके भी केंद्र में मंत्रिमंडल में आने के लिए तैयार होंगे? अब उनका व्यक्तिगत स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाके कोई बड़े खुश हों, अनलेस कि उनका मन ये हो कि मुझे कांग्रेस को उसकी जगह दिखानी है, इन्होंने मुझे बेइज्जत किया, मैं इनको धूल धूसरित करके छोड़ूंगा। अब अगर उनका वो मानस बना हुआ है, तब तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि बीजेपी और अमरिंदर की डील हुई है नहीं हुई है, इस पर कोई निश्चित रूप से बात नहीं कह सकता। 50% चांस है कि जाए, 50% चांस है कि ये सब एक्सप्लोर बातें की जा रही हैं, परखा जा रहा है, समझा जा रहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ रहे हैं, नाप तोल रहे हैं, और निर्णय क्या लेंगे ये वही जाने।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी पूरी जानकारी के लिए।